किसी को पता है क्या लाइन से लाइन और पौधे से पौधा यहाँ क्या लगा रहे हैं? केला के? पांच बाय पांच, साढ़े पांच, साढ़े पांच, सवा पांच, सवा पांच, है ना? ये दो तीन ग्राफ है बराबर वाले, ऐसे ही लगाते हैं। पांच बाय पांच पे 1750 पौधे आएंगे, साढ़े पांच, साढ़े पांच पे 1450 पौधे आते हैं, सवा पांच पे 1600 पौधे आते हैं। एक एकड़ की बात कर रहा हूं मैं, बराबर है? ये रट गया है, 2010 से केले को ही खा रहा हूं, जी रहा हूं, पी रहा हूं, मुझे पता है। तीन टिश्यू कल्चर कंपनियां हैं मेरी, पूरे भारत में केला बेचता हूं, इसलिए क्या ग्राफ लगाया तो कितने पौधे एक एकड़ में आएंगे थोड़ा सा पता है। आप कैलकुलेटर पे जोड़ोगे तो इतने ही आएंगे। एक्चुअल में ये सारे ग्राफ गलत है। ग्राफ सही क्या होना चाहिए? जो मैंने सवेरे आपको बतलाया कि 70% पानी, 22% सूर्य देवता का काम होता है वजन बढ़ाने में, तो 22% इस ग्राफ में मायने रखेगा। अभी जो हमने हाई डेंसिटी की बात करी वो एक टेक्नोलॉजी अलग हो गई कि कॉटन कम ड्यूरेशन की फ्रास, उसमें मशीन से ही हार्वेस्टिंग कर लेंगे, बाहर हो जाएंगे, वो एक छोटी सी फसल है। केले की फसल को हमें साल भर तक जीना ही पड़ेगा, उसके साथ विकल्प ही नहीं है। तो इस तरह की फसल में हाई डेंसिटी काम में आएगा नहीं, इसमें बीमारियां बढ़ेगी, आउटपुट कम आएगा। इसमें आउटपुट आपका 18 टन के ऊपर नीचे आएगा प्रति एकड़ का। किसी ने नोटिस किया है एक एकड़ में कितना लेते हैं? हेलो, एक एकड़ में उत्पादन कितना आता है केले का टन में? एक बंच पे कितना आता है? 26 किलो, 30 किलो, 30 से 35। कैलकुलेटर किसी के पास है? 35 × 1750। हेलो, हाँ, 35 × 1750 61, 61, 61, 250। तो ये 61 टन हुआ। इतना उत्पादन किसी का नहीं आता आपके गांव में? हाँ, मैं बतलाता हूँ कैसे। 35 किलो हमने एक झाड़ का तो नाप लिया वजन, एवरेज हम पूरे साल का जब माल कट करके, मतलब दो महीने में जब वो केला प्लांट खत्म होता है तो सारी पर्चियाँ जोड़ोगे, अगर 61 किलो वजन आता और 15 रुपये किलो बिकता तो जोड़ कर देखो कितना आएगा, जोड़ो पैसा कितना बनेगा। इतना पैसा एक एकड़ में किसी किसान ने यहाँ पर बनाया नहीं है। एवरेज आपके खेत का आएगा 18 से 25 टन। पैसा जोड़ा कितना बन रहा है? कितना? 2,15,000 ज्यादा हो गया। 10-11 लाख हो गया ना? 9,18,000। ये तो एक एकड़ खेती की जमीन की कीमत हो गई। इतना तो लिया नहीं हमने, कमाया नहीं। ज्यादा से ज्यादा 25 में आता। एवरेज बनता है कि हमने 1750 पौधे लगाए तो बाउंड्री के जो ज़्यादा हवा धूप खा रहे हैं वो 30, 35, 40 किलो के आ गए, अंदर जो धूप हवा कम खा रहे हैं वो 18 किलो, 22 किलो, 32, 28 किलो आए हैं। कुछ पेड़ गिर गए, कुछ टूट गए, कुछ खराब हो गए। एवरेज आपका एक एकड़ से 18 से 20 टन आता है, 25 टन आखिरी। हमारे यहाँ का वातावरण ऐसा है जो बाहर के बाउंड्री पर है वो वजन कम होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है, अंदर का वजन ज्यादा होता है, अंदर का वजन ज्यादा होता है। फिर भी मैं एरर और मिक्स की बात कर रहा हूँ। एकड़ पे हमें 20 से 25 टन आउटपुट मिलता है, इससे ज्यादा मिलता नहीं। तो ग्राफ कोई सा भी लगाएंगे, केला 20 से 25 टन मिलेगा। इसलिए ग्राफ लगाना चाहिए वो जो केले को चाहिए, लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 9 फीट। केले का ग्राफ होना क्या चाहिए? थोड़ा जाएगा ऊपर ऐसे 2-3 फीट, पकड़ना उसको, नीचे लेके आना। अभी ये समझाऊंगा 5x9 क्यों। लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9, सामने नहीं होना चाहिए, जिगजैग होना चाहिए। फिर ये सामने आएगा। अभी ड्रिप कैसे है वो भी देख लेना, मैं बताते जा रहा हूँ। समझ में आया? इस पौधे की ड्रिप अंदर है, दोनों चीजें देखना है आपको। इस पौधे की ड्रिप इस तरफ है, इस पौधे की ड्रिप इस तरफ है, इस पौधे की ड्रिप इस तरफ है। इसमें 70-30 खेती का फॉर्मूला भी मैं दे रहा हूं कि
70% हम किसान नहीं उस जमीन पर काम करें, उस पर पौधे को काम करने दें, 30% हम उस जमीन पर काम करें, ये 70-30 फार्मिंग का फार्मूला है। पौधे से पौधा 9 फीट, लाइन से लाइन 5 फीट। हमने यहाँ पर क्या किया, लाइन से लाइन भी 5, पौधे से पौधा भी 5। यहाँ पर पौधा लगेगा 968, यहाँ पर पौधा लगेगा 1750। एक कैलकुलेटर खोल के रखना, 16 रुपये का एक पौधा कितना कीमत आया, 1750 × 16। हेलो, 1750 × 16 23 से ज़्यादा आएगा, 28,000। 28,000 का बीज जिस दिन आप पौधा लगाओगे उस दिन 28,000 का बीज आएगा, और इधर आपका 16,000 का बीज आएगा। लगभग 1,000 ही पौधा है ना, 16 रुपये का पौधा यहाँ भी आएगा, कीमत नहीं बढ़ रही है, पौधा उतने का ही आएगा। मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, 16,000 और 28,000, 10,000 रुपये आपके एक एकड़ में पौधा खरीद कर लगाने के ही ज़्यादा हो गए। तो ये 10,000 रुपये आपके साल भर के मजदूरी का पैसा निकाल देगा, लेबर पेमेंट पूरा का पूरा निकाल देगा। क्या ये जो पौधे की कीमत है, पहला खर्चा रिटर्न होता है, किसान खर्च आधा। एक्चुअली ये ग्राफ क्यों होना चाहिए वो भी मैं बतलाऊंगा। दूसरा, जब हम केले की खेती या पपीता की खेती करते हैं तो कोई भी गाइडलाइन मेकर आता है 1000 पौधे में क्या खाद डालना है, ऐसे पर्ची देके जाता है, एकड़ पे क्या डालना है ये कोई नहीं बतलाता। पौधे की खेती जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि 1000 पौधे पर क्या डालना है। तो जनरल केले की पौधी में क्या ग्राफ आता है, क्या खाद आता है, 2 किलो यूरिया, 2 किलो पोटास, 300 ग्राम 12-61-0, ऐसा आता है ना। 1000 पौधे पर 2 किलो यूरिया, 2 किलो पोटास, 300 ग्राम 12-61-0, एक दिन छोड़कर देना है, ऐसे पर्ची आती है ना जो पौधे बेचते हैं या जो गाइडलाइन देते हैं। अब इस खेत में 1750 में कितना डलेगा, 2 किलो, 1000 पे 2 किलो, तो एकड़ पे 3.5 किलो के लगभग, 1750 है ना, 3.5, 3.5, 300 ग्राम का ये 500 ग्राम। ये हर रोज जब तक केला काट कर खेत के बाहर ले जाओगे जब तक 2 गुना खाद डल रहा है, ये हमें पता नहीं है। जगह एक ही एकड़ है आपकी, आउटपुट 18 से 25 टन ही जाएगा कुछ भी कर लो, क्योंकि सूर्य की रोशनी 43,560 स्क्वायर फीट में उतनी ही पड़ती है, वो इधर भी उतनी आएगी, इधर भी उतनी आएगी, तो जो बायोमास बॉडी बननी है वो उतनी बनेगी, इसका कोई इफेक्ट चेंज नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ये प्रतिदिन आपका 1000 पौधे के हिसाब से एक एकड़ में डबल खाद जाएगा। यहां पर 1000 पौधे का कितना आएगा, यही कोई भी एग्रोनॉमिस्ट कोई भी लिख के दे रहा है, 1000 ही पौधा है ना एक एकड़ में। साल भर का अगर खाद जोड़ोगे प्रति पौधे का, 50 रुपये पौधे का अगर खाद का खर्चा किया तो यहां कितना हुआ, 50,000, यहाँ कितना होगा 2 एकड़ का खर्चा एक एकड़ में करेंगे, उत्पादन 25-22-20 टन आएगा। तीसरा, जब इसमें सिगाटोका आएगा, बंचीटो वायरस आएगा तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम सिंगल ड्रिप बना करके ऐसे बेड बना रहे हैं। हाँ, डबल ड्रिप मिट्टी लगाते ना, पहले तो वो खंबे को गाड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो गिर जाएगा ना। वो केला जो है मिट्टी लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, लगाते मिट्टी ये जो लगाई आपने तो ये टीला हुआ। अब जिनके पास पैसा है, जिनको टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है जैसे भैया के पास है, तो ये डबल ड्रिप डालते हैं, एक ड्रिप इधर एक ड्रिप इधर, है ना। अभी 5 फीट में सिंगल ड्रिप आती है 2750 मीटर, फिर 2750 मीटर, डबल ड्रिप में ऐसा ही होगा ना। मीटर एक एकड़ में 5400 मीटर ड्रिप डाली और दोनों तरफ ड्रिप डाली। अब जब खेत के अंदर जाएंगे साल भर हम, तो पूरा खेत गीला 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 मिलेगा, उसमें हम 50 किलो का वजन रखेंगे,
तो वो जमीन और कड़क होती है, वो मित्र बैक्टीरिया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फास्फोरस एक साथ जाकर के चिपकते हैं और बॉन्ड होते हैं। सिखाया गया है कि डबल ड्रिप दोनों तरफ जड़ों को फैलाएगी और पानी पौधा भोजन अच्छा उठाएगा और आउटपुट देगा। कब? जब पौधे से पौधे की दूरी 8 फीट हो तब कंडीशन अप्लाई। अगर आपका पौधे से पौधा लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट 7 फीट है तो डबल ड्रिप डालना है, क्योंकि 7 फीट में 1900 मीटर ड्रिप डलेगी एक एकड़ में। तो डबल ड्रिप डालोगे तो 3800 तक जाएगी, तो पानी का इवोप्रेशर कम होगा, बूंद बूंद बन के जल्दी गिरेगा। हम लाइन से लाइन 5 फीट लगा रहे हैं, उसमें भी डबल ड्रिप डाल दी, तो हमसे ज़्यादा पैसे वाला कोई नहीं इस दुनिया में। ये रियलिटी है, क्योंकि केले को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, ताज़ा पानी चाहिए। आज पानी दिया, पौधे ने ले लिया, बाकी का निकल गया, कल फिर से दूसरा पानी देना है। वो पानी निकल जाए, पौधा ले ले, परसों तीसरा पानी देना है। इसको बोलते हैं ताज़ा पानी। इसको ड्रिप बेचने वालों ने बदल दिया, ज़्यादा पानी। तो वो एक मेथड गलत है। अगर हम 6-7 फीट से ज़्यादा बड़ा ग्राफ लेते हैं तो डबल ड्रिप, क्योंकि हमारी ड्रिप की संख्या कम हो गई, बूंद बूंद जो ड्रिपर आएंगे उनके पानी गिराने की संख्या कम हो गई, तो दोनों तरफ ड्रिप डालो। वरना सिंगल ड्रिप 2750 मीटर बहुत हो गई, डबल ड्रिप की आवश्यकता नहीं है 5 फीट में। यहाँ पर भी सिंगल ड्रिप ही रहेगी, डबल ड्रिप की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ से बेनिफिट निकलना चालू होता है। और ये जो कीचड़ कीचड़ वाला प्रमाण है, एक साल केला लोगे, दूसरे साल CMV बंचेट ऑफ वायरस आएगा, तीसरे साल निकालना पड़ेगा। 5x5 में आप तीसरी कटिंग लेने की संभावना नहीं, भी अच्छी नहीं आती, दूसरी भी अच्छी नहीं आती। तो कितना पैसा कमाते हो आप केले में से? डबल ड्रिप पौधा, पहले साल का खर्चा पता है आपको केले का? एकड़ पे 5 से 7 ट्रॉली गोबर, पलटी पलऊ, जो 5x5 की खेती करते हैं उनका बतला रहा हूँ, जो किसानों को ज्ञान अभी तक मिला है वो मैं बता रहा हूँ, मैं करवाता हूँ वो नहीं, जो कर रहे हैं वो। 5 से 10 ट्रॉली गोबर खाद, डबल ड्रिप 5400 मीटर ड्रिप, 28 से 30 हज़ार का पौधा। उसके बाद अभी हाईटेक खेती आ गई है कि मल्चिंग लगा कर केला लगाना। ये आप तक पहुँचा? देखा भी होगा ना कुछ वीडियो? नहीं, सुना होगा, देखा होगा ना। तो आप थोड़े से गुजरात में अंदर हो, ऐसे बाहर चले जाओगे सूरत के पास, तो आप भी मल्चिंग की बात करोगे। जो हाईटेक हो गए हैं, मल्चिंग, डबल ड्रिप पौधा, मतलब जिस दिन आप पौधा लगा रहे हो उस दिन आप 60,000 से ऊपर एक एकड़ पे खर्च कर चुके होते हो। अभी पौधा लगा नहीं, पौधा लगाते समय, क्योंकि पौधा पैसे दोगे जब गाड़ी निकलेगी, उधार कोई नहीं बेचता। क्योंकि पौधा मर गया, खराब हो गया, तो आप बोलोगे तूने पौधा गलत भेजा था, पैसे कौन देगा? तो पौधे वाला हमेशा नगद ही भेजता है, हम भी नगद ही भेजते हैं, पैसे दोगे तब हम पौधे भेजेंगे। तो एक एकड़ में 60,000 पौधा लगाने से पहले खर्च हो चुका है, पौधा लगाने के बाद 50-60,000 खर्च होगा, 1.5 लाख के ऊपर एक एकड़ का खर्चा है केले का। दूसरे साल हमसे आएगी नहीं फसल, और पहले साल हमने 1.5 लाख रुपए के ऊपर नीचे खर्चा किया, 10 रुपए किलो का रेट मिला और हमने 25 टन केला पकाया, 2.5 लाख रुपए का बना। ऐसा ही होगा ना एवरेजन? तो 1 लाख रुपए के ऊपर नीचे हमने इनकम ली, 70,000 से 1 लाख रुपए के ऊपर नीचे इनकम ली, इतना ही केवल होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और दूसरे साल आएगा नहीं, तो जब फसल तैयार करने के पहले हमने 5-7 हज़ार रुपये लगाए पलटी पलऊ, रोटावेटर, नाली खींचना, और जब केले की फसल निकालते हैं तो उन लाठ को उठाकर बाहर करना, कल्टीवेटर करना 2 से 4 बार, 20,000 रुपये बाद में केले को साफ करने में लगते हैं। इसमें से जो आपने 1 लाख बचाया, इसमें से 30,000 रुपये आपके पहली सफाई और बाद की सफाई में जाएंगे। ये कोई किसान जोड़ता नहीं है। अगर केले की फसल में इतना सब जोड़ ले तो बोलेगा केला खेती मुझे करना नहीं है। वो रियलिटी है कि केला हमने बेच दिया, आप दूसरी फसल लेते नहीं आ रही, तो हमें खेत को साफ करके अगली फसल लेना पड़ेगी ना। केला तो रटून तो ले नहीं पा रहे, तो उसमें गेहूँ लगाएं, मिर्च लगाएं, कपास लगाएं, कुछ तो करेंगे, तो खेत को साफ करेंगे तभी करोगे ना। तो केले की खेत को साफ करने की भटंगी सबसे बड़ी है,
20 से 22 हजार 25 हजार रुपए एकड़ का खर्चा आएगा अगर आप तरीके से साफ कर रहे हो खेत को, तो दूसरी फसल लगाने के पहले। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी सबसे गंदी है, पैसे खर्चे करने वाली है, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा करना बंद करो अगर ऐसा कर रहे हो। तो अब मैं बता रहा हूँ करना क्या चाहिए, जो मैं करता हूँ। ठीक है, लाइन से लाइन 5 फीट है, पौधे से पौधा 9 फीट है, ध्यान रखना ड्रिप अंदर है। हम खेत में 5-5 फीट पे नाली करते हैं केला लगाते समय, इस टेक्नोलॉजी में आधी नालियां करना है, 10 फीट पे नाली, एक नाली फिर छोड़ के एक नाली, फिर छोड़ के एक नाली, फिर छोड़ के एक नाली। अभी 5-5 पे अगर मुझे नाली करना होती तो हर लाइन में नाली करता। हाँ, हम केला लगाते हैं तो 5-5 पे निशान करते हैं ना, मिट्टी चढ़ाते हैं तो 5 पे नाली करते हैं, तो ये 5 पे नाली नहीं करना है, ये 10 पे करना है। खेत बराबर है, 10 फीट पे नाली करी तो क्या दिखेगा, एक नाली एक बेड, एक नाली एक बेड, एक नाली एक बेड, ऐसा दिखेगा ना। पौधा कहाँ लगाना है, बेड के ऊपर। ड्रिप चाहिए पौधे के अंदर, ये पौधा लगाया बेड के ऊपर, ड्रिप चाहिए पौधे के अंदर। ये 70-30 खेती का फार्मूला है कि पौधा पानी हमेशा प्रतिपल पिए, प्रतिपल भोजन उठाए, उसका ये फार्मूला है कि जब पानी हम दें तो इधर आएगी क्रैकिंग, यहाँ हमने पानी नहीं दिया, यहाँ आएगी क्रैकिंग, दरारें आएगी। ये पौधा है, इसके अंदर ड्रिप है, तो यहाँ जड़ें घूमेगी, यहाँ पौधे की जड़ें घूमेगी। पौधा लगाने के बाद यहाँ पर कोई कल्टीवेशन करने की आवश्यकता नहीं, निंदाई गुड़ाई जो भी होगी, कचरा हम यहीं पर डालेंगे। समझ में आ रहा है, ये जगह कचरे की है, मल्चिंग की। अभी इस पॉइंट से ये पॉइंट 10 फीट है, 10 फीट में यहाँ से यहाँ तक की जगह है 7 फीट, और यहाँ से यहाँ तक की जगह है 3 फीट। ये जो नाली की जगह है ये 3 फीट है, इसको कहते हैं 70-30 फार्मिंग। 30% जगह हम किसानों के लिए खेत के अंदर जाएं, 70% जगह पौधे की जड़ों को डेवलप होने के लिए, जिसको हम कभी कल्टीवेशन करके कटपिट नहीं करेंगे। ये फॉर्मूले का मतलब है 70-30 फार्मिंग। 70% पौधे को हमने जहाँ लगा दिया, उसकी जड़ें अपने से डेवलप्ड होती रहे, अपने से काम करती रहे, उसको हम कभी कल्टीवेशन नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, और जो निंदाई गुड़ाई होगी वो यहाँ पर ही आच्छादन करेंगे, ताकि बाद में कोई खरपतवार आए ना। और ड्रिप हमारी अंदर है, ड्रिप बाहर नहीं है, तो यहाँ कोई पानी चलाया नहीं, तो यहाँ कोई खाद गया नहीं, यहाँ जड़ें कोई डाली नहीं, तो यहाँ कोई खरपतवार आएगा नहीं। बारिश में आएगा तो यहाँ आप कोलपे चलाओ, ट्रैक्टर चलाओ, कुछ भी करो, बारिश में सफाई करना हो तो यहाँ हम कुछ भी करके इसको साफ करेंगे। यहाँ पर हम आच्छादन करेंगे तो बारिश में भी खरपतवार के आने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं, आता है तो काट कर वहीं पर बिछाना है। लगाने का तरीका समझ में आया। अब ये ग्राफ क्यों, जो 5x5 हमने लगाया था उसकी बजाय ये ग्राफ क्यों। 5x5 हम जब लगाते हैं तो केले का पौधा जो पत्ता देता है वो 7 से 8 फीट का पत्ता देता है, पौधे से पौधा 5 है चारों तरफ, तो ये पौधे का पत्ता इसके ऊपर, ये पौधे का पत्ता इसके ऊपर, ऐसा होता है। जब पत्ता एक दूसरे के ऊपर आता है तो सूर्य से फोटोसिंथेसिस होते समय नीचे का पत्ता कोई काम का नहीं है, तो फल आने के पहले ये हरा पत्ता झुक जाता है, फल आएगा उस समय हरा पत्ता झुक जाता है। जब ये हरा पत्ता फोटोसिंथेसिस करता नहीं, भोजन बनाता नहीं, तो जो हमारा फल निकलता है उसमें बीमारियां जल्दी निकली है, हमारा पौधा जल्दी टूट कर गिरता है, लंबी चाल का फल बनता नहीं। जो केले का फल निकलता है उसका पत्ता, उस फल पौधे में ज़्यादा पत्ते अगर सूर्य की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वो फल लंबी दूर का व्यापारी लेके जाएगा, तो उसके राइपनिंग चेम्बर तक पहुँचेगा। जिस पेड़ में जितने ज़्यादा पत्ते होंगे उतने उस फल की कीपिंग क्वालिटी होती है। 5x5 में पत्ते कम होते हैं, फ्लावरिंग आते समय बहुत हरा, फ्लावरिंग आई उस समय हरे पत्ते नीचे झुकते हैं, और हर रोज़ पत्ता कम होता है। जिस दिन माल कटन आता है उस दिन 6 पत्ते,
एक पौधे पर कितने रहते हैं? छः पत्ते हैं। केले को बहुत जिया है इसलिए मैं तुरंत जवाब दे देता हूँ। केले में जिस दिन माल कटता है उस दिन छः पत्ते, माल जिस दिन कटता है उस दिन आपके पंजे कितने हैं उस झाड़ में, वो जो केले का घड़ होता है ना, घड़ जिसमें केला रहता है, क्या बोलते हैं? घड़ी, लूम। ये लूम में जितने पंजे हैं उतने पत्ते आपके पौधे में होना चाहिए तो आपका पौधा सही है। इसमें अगर 10 पंजे हैं तो 10 पत्ते आपके पौधे में होना चाहिए। एक पंजे को एक पत्ता अच्छे से न्यूट्रिशन दे सकता है, उससे कम हुआ तो न्यूट्रिशन कम जाएगा। ये साइंस है। ये ग्राफ क्यों होना चाहिए? पौधे से पौधा 9 फीट है, सामने पौधा है नहीं, तिरछा है, इसको बोलते हैं zigzag। तो जब ये पत्ता देता है तो 5 फीट तक इसके सामने कोई नहीं है, ये जब पत्ता देता है इसके सामने कोई नहीं है, ये पत्ता देता है 4.5 फीट तक कोई नहीं है। तो एक दूसरे के ऊपर पत्ता नहीं आता, ये सराउंड पत्ता आता है। तो ये जो 22% मैंने बोला पौधे का वजन बढ़ सकता है वो इस ग्राफ को अपनाने से बढ़ता है। आपने 5x9 का ग्राफ लगाया, पानी दिया, 15 से 18 किलो ऐसे ही पक्के आएगा, एक दाना खाद डालने की जरूरत नहीं है। 5x9 का ग्राफ, कचरा मल्चिंग, गुड़ गोबर गोमात्र डालना है, 15 से 18 टन एक एकड़ में आउटपुट मेरे से राइटिंग में ले लेना। मैं ऐसे ही ले रहा हूँ पहली शुरुआत ये ग्राफ एडॉप्ट करने की। समझ में आया केले का ग्राफ क्या होना चाहिए? अब इसके और फायदे बतलाता हूँ इस ग्राफ के। आपके जेब से पैसा कम जाएगा, मेरी टिश्यू कल्चर में मुझे और ज़्यादा किसानों को पौधा बेचना पड़ेगा क्योंकि आधा ही पौधा बिका ना आपके पास। ये दूसरा फायदा है, भारत का मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो किसानों को बोलता है पौधा कम लगाओ, ठीक है? बाकी तो भैया बोल के गए कि 21 लाख बीज लगाने, 2,10,000। जितने ज़्यादा बीज प्रोडक्शन की यूनिटें आएगी उतना आपके जेब से पैसा ज़्यादा जाएगा, डिसीजन आपको लेना है। दूसरा फायदा, जब हम लाइन से लाइन पास और पौधे से पौधे को दूर करते हैं, तो केले में हम एक बार लगाकर अनेक साल तक ले सकते हैं। मैं मोटी मोटी बातें बतला रहा हूँ, बाकी जो फार्मर जुड़ेंगे उनको 365 दिन का शेड्यूल आएगा क्या करना है, ठीक है? मोटी मोटी बातें बतला रहा हूँ कि केले में करना क्या है, कैसे किया जाएगा। पौधे से पौधे की दूरी 9 फीट है, जब हम 5x5 पर लगाते हैं, एक पौधा लगाया ये हर महीने 5 इंच तने की मोटाई बढ़ाता है। ऐसा मोटा होता है ना केले का पौधा, मोटा तगड़ा होगा। अब मोटा होता है तो ये पौधा और ये पौधा 5 फीट है, आपके तने की मोटाई कभी नापी फल आने के बाद कितनी बड़ी है? 30-35 इंच की होती है। तो ये जो लगाया यहाँ से 1 से 1.5 फीट इधर, 1 से 1.5 फीट इधर, बीच में जगह कितनी बचती है नया बच्चा रखने की? अभी यहाँ 9 फीट में 1 से 1.5 फीट, 1 से 1.5 फीट, तो 1.5 और 1.5 3 गया, 6 फीट फिर बचता है। तो यहाँ नया बच्चा रखने की जगह बचती है, यहाँ नया बच्चा रखने की जगह बचती है, यहाँ नया बच्चा रखने की जगह बचती है। तो 9 फीट में कम से कम 9 बार आप फसल ले लोगे एक ही बार लगा करके मिनिमम, इसमें दूसरी बार लेते नहीं आएगी। केले में हम जैसे आम लगाते हैं ना, एक ही बार लगाया आप काटते रहेंगे, ऐसे केले में एक ही बार फसल लगानी है। अगर सही से हमने काम किया तो अनेक साल तक उससे आउटपुट आता है। एक ही बार प्लांटेशन करके हम अनेक बार केले की फसल से रिजल्ट ले सकते हैं, आउटपुट निकाल सकते हैं। ये सिंपल सी टेक्निक है। अगर इस टेक्निक पर हम जाएंगे तो केले की फसल में हम करेंगे निवेश, खर्चा नहीं। एक बार पौधा लगाया ना 16 रुपये का, उसको 9 बार हमने कटिंग किया, क्या पौधे की रेट हुई? 2 रुपये, 1.5 से 2 रुपये। 5x5 लगाएंगे तो हर साल 16 रुपये लगेंगे, बहुत बड़ा फर्क है। रिकरिंग रेवेन्यू, किसान के जेब में पैसा कैसे बचेगा? इस तरीके से कि आप यहाँ से रटून ले सकते हो,
समझ में आया ग्राफ क्या होना चाहिए? कई सारे मेरे व्याख्यान हैं केले के जो आप YouTube पर देख सकते हो। इसमें एक थंब रूल में बताना चाहूँगा, पौधे को खेत में जाकर देखें क्या। केले वाले किसान कितने बैठे हैं? सभी हैं। बालकनी में से भी हाथ आ रहे हैं, उधर से भी। केवल केले ज बचा है, मैंगो वाला चले गया। पपीता को भी ले लूंगा मैं चलते चलते। केले में ध्यान क्या देना चाहिए, खेत में जाकर क्या देखना चाहिए, मुद्दे वाली बात कि खुद ही अपनी फसल के डॉक्टर बन जाओ। खुद को पता होना चाहिए कि मेरा केला कैसे दिख रहा है। उसके लिए कुछ आयाम है जो हमें जानकारी होना चाहिए। एक माह में 5 पत्ते आना चाहिए। कितने? 1 महीने में 5 पत्ते आना चाहिए। ये थंब रूल है केले का। तो केला ना जल्दी चल रहा है ना धीरे चल रहा है, आराम से चल रहा है, खाते पीते मस्त चल रहा है। 5 पत्ते 1 महीने में। 1 माह में 5 इंच तना मोटा होना चाहिए। जो एक केला आपने लगाया, ये तने की मोटाई हर महीने 5 इंच बढ़नी चाहिए। तब 7 महीने में फ्लावरिंग आएगी तो तने की मोटाई 35 इंच की होगी। टेप लगाकर नापोगे तो मिलेगा, ये 35 इंच की होनी चाहिए। 1 पत्ते से दूसरा पत्ता 5 इंच की गैप होना चाहिए। ये जो पत्ता निकलता है, एक निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, चौथा निकला, तो ये जो पत्ता है इससे दूसरे पत्ते की गैपिंग ये जो है ये 5 इंच की होना चाहिए। 1 पत्ते से दूसरा पत्ता 5 इंच की गैप पे, ये 5 का सूत्र याद रखो। जब 5x9 का ग्राफ लेते हैं, 5x9 का ग्राफ लेते हैं तो 5 महीने के बाद चौथी लाइन क्या है? 5 माह के बाद उत्तर दिशा में बच्चा रख सकते हैं। 5x9 का ग्राफ लेंगे, 5 महीने के बाद 25 इंच तने की मोटाई हो जाएगी तो उत्तर दिशा में बच्चा रखेंगे, क्योंकि फल आएगा दक्षिण दिशा में, निश्चित है। हम जहाँ रहते हैं हिंदुस्तान में, सूर्य दक्षिणायन चलता है, दक्षिण तरफ से चलता है। भर 12 बजे खड़े रहोगे तो थोड़ी उत्तर तरफ छाया पड़ती ना, तो फल जो है वो दक्षिण तरफ आता है। जब फल दक्षिण तरफ आएगा और आपने बच्चा गलती से दक्षिण तरफ रख लिया तो फल और बच्चा दोनों एक दूसरे में टकराएंगे। इसलिए हमें फल हमेशा रखना चाहिए उत्तर दिशा में। समझ में आया? अब किसी की लाइन उत्तर दक्षिण है तो उत्तर दिशा में फल रखा, किसी की लाइन पूरा पश्चिम है तो पूर्व में फल रखना है। जिसकी लाइन पूरा पश्चिम है उसने पूर्व में रखना है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम फल आएगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? ये 5 का सूत्र हमें याद रखना है। खेत में पौधा लगा दिया, 1 महीने बाद कितने पत्ते आए? 5। निशान कर दो। अगले 5 से 6 दिन में नया पत्ता आया क्या? नहीं आ रहा है तो जिस एग्रोनॉमिस्ट को अच्छा मानते हो उससे बात करो, भैया पत्ता धीरे हो रहा है, नहीं आ रहा है। ऐसे जो पत्ता आना चाहिए उसकी वजह पास पास में आ रहा है, चोकिंग हो रहा है, 5 इंच तने की मोटाई लंबाई नहीं आ रही है, वहीं की वहीं गर्दन फंस रही है, तो जिसको अच्छा एग्रोनॉमिस्ट मानते हो उससे पूछो मेरा पत्ता कम आ रहा है। या 1 महीने में 7 पत्ते आ गए, ज़्यादा आ गए तो भी गड़बड़ है, पौधा स्पीड से चल रहा है, जिस दिन फल आएगा उस दिन फल सटक जाएगा। अगर पौधा स्पीड से चलेगा तो उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो रहा है या उसके हार्मोन्स कुछ न कुछ चेंजेस है, तो जिस दिन फल देगा उस दिन वो डंडा स्लिप होकर गिरकर टूट जाएगा, तो साल भर की मेहनत आपकी अकारत हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। कि साल भर तक आपने खाना खिलाया, लास्ट में डंडा सटक गया। तो ज़्यादा आना भी गड़बड़ है, कम आने में बंचिट ऑफ वायरस के लक्षण बनेंगे। थंब रूल 5 5 5 5 5 5। खेत में जाकर क्या देखना है, समझ में आया? हेलो, हाँ सुन रहे हो?
ऐसा मुझे पता होना चाहिए, कोई मुझे सुन तो रहा है, ऐसा समझ में आएगा ना, कोई सुन रहा है तो मेरी एनर्जी बनी रहेगी, मैं आप लोगों को लंबे समय तक टिक पाऊंगा, ठीक है। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि हम ये बच्चा कैसे रखें और एक बार केला लगा करके कितनी साइकिल ले सकते हैं, ठीक है। केला तो सब आप लगा रहे हो, फर्टिलाइज़र कैसे देना है उसका पूरा शेड्यूल दे दूंगा मैं 365 दिन का, लेकिन जो मेन मेन बातें हैं क्या चीज़ ध्यान रखें वो भी आपको समझ में आई। लाइन से लाइन जब पांच और पौधे से पौधा नौ रखते हो तो यहाँ संभावना है ज़्यादा बच्चे लेने की। एक बार जिस दिशा में लिया उसी दिशा में हर साल लेना है, ताकि आपका खेत पूरा का पूरा एक फिट खसक जाएगा, फिर रटून में एक फिट खसक जाएगा, फिर रटून में एक फिट खसक जाएगा, तो एक दिशा में आएगा तो एक दूसरे के ऊपर फल चढ़ेगा नहीं और ग्राफ हमेशा एक जैसा रहेगा। ये मुद्दे की बात है ध्यान रखने की। अब जब हम केला लगाते हैं और 5x9 पर लगाते हैं तो पौधे के तने का डेवलपमेंट ऐसे होता है, 5x5 लगाओगे तो ऐसा होगा सीधा, समझ में आ रहा है, ऐसा सीधा बढ़ेगा। इसमें बहुत फर्क है, इसको टेका लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको टेका लगाना पड़ेगा नहीं टूट के गिरेगा। इसमें हाइट ज़्यादा जाएगी, इसमें हाइट कम आएगी। जब चौड़ा ग्राफ लेते हो तो सूर्य की रोशनी ज़्यादा पत्तों पर गिरती है तो पौधा रुक रुक कर धीमे चलता है, हाइट कम आएगी, आंधी तूफान में गिरपड़ कम होता है और तने का विकास ज़्यादा होता है, और धूप हर पत्ते के हिस्से तक जाती है, तने तक जाती है, तो ये स्ट्रांग होता है, कड़क होता है, तो टूट कर गिरने की संभावनाएं कम होती है, नहीं के बराबर होती है। अभी 5 महीने के बाद 25 इंच तने की मोटाई होने के बाद में उत्तर दिशा में हम बच्चा ले सकते हैं और फ्लावरिंग आएगी 7 महीने बाद। अभी केला जिन्होंने लगाया उनको पता होगा 6 से 7 महीने में कमल आता है, ठीक है। जब 7वें महीने में कमल आता है और हमने 5वें महीने में बच्चा रखा तो 7वें महीने में इसका चौड़ा पत्ता होना चालू हो जाता है बच्चे का, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 महीने का हो गया ना, 2 महीने बाद इसका चौड़ा पत्ता होना चालू होगा। और इसमें 50 पत्ते के बाद में जब कमल आया तो जिस दिन कमल आता है उस दिन लगभग 18 पत्ते बचते हैं इसमें, आपके 5x5 में 10 पत्ते बचेंगे। और जब माल कटिंग आता है जब 6 पत्ते बचेंगे, क्योंकि फल आने के बाद में नया पत्ता इसमें आता नहीं, आखिरी पत्ता आने के बाद में फल आता है, नया पत्ता आता नहीं, अब पत्ते सूखते रहेंगे। आपके खेत में केले की क्वालिटी मेंटेन करना है तो हमेशा हरे पत्तों की संख्या होनी चाहिए। 5x5 में हमेशा हरे पत्ते कैसे रखोगे, क्योंकि उसमें तो बच्चा छोड़ते हैं माल कटने के बाद, है ना। 5x5 में हम नया बच्चा रखते हैं माल कटने के बाद, तो उसमें हरे पत्तों की संख्या मेंटेन कैसे करेंगे। किसी की गर्मी में कटाई आ गई, अगर 15 मार्च के बाद माल कटना चालू हुआ तो गर्म हवाएं, सूर्य की रोशनी, धूप उस माल को पूरा खराब कर देती है, ख़त्म कर देती है। जब हम इस तरह की टेक्निक करते हैं कि 7 महीने में ये पत्ता बड़ा, अभी ये 90 से 110 दिन लेगा माल कटने में, फल आने के बाद 3 महीने बाद माल कटेगा, हर 5 दिन में इसका नया पत्ता आएगा, ये बड़ा होगा, समझ में आ रहा है। और हर 5 से 6 दिन में ये पत्ता जाएगा, इसका पत्ता कम होगा, इसका पत्ता बढ़ेगा। आपके खेत में 5x9 पर आपने कितने लगाए, उदाहरण के लिए 1000 पौधे 968 लगते हैं, 5 महीने बाद फिर 1000, अभी कितने हैं, एक पौधा लगाया 5 महीने बाद उसका बच्चा रख लिया, अभी 2000 हो गए ना, 7 महीने बाद इसका पत्ता आ गया, अब हर पत्ता 5 दिन में आ रहा है, तो ये पौधा हो रहा है बड़ा, ये पौधा हो रहा है छोटा। हरे पत्तों की संख्या आपके खेत में हमेशा हमेशा के लिए मेंटेन रहेगी, ऑन एन एवरेज 20,000 हरे पत्ते आपके 1 एकड़ में रहेंगे।
इस पौधे में 20 पत्ते हैं, फल आया उस दिन। इस पौधे में 2-3 पत्ते हैं लेकिन छोटे हैं। अब इसका एक एक पत्ता कम हो रहा है और इसका एक एक पत्ता बढ़ रहा है। जिस दिन माल कटन होगा उस दिन ये 5 महीने का रहेगा। साइंस से समझ में आ रहा है? मैं केले की खेती ऐसे ही करता हूं। जिस दिन माल कटेगा, ये केला कटेगा आपके खेत से, 1 महीने में पूरा प्लॉट कट के खत्म होगा। जिस दिन आखिरी बंच कटे उस दिन आपको नया बच्चा रखना है, क्योंकि ये ऑलरेडी 5 महीने का हो चुका है। जो इसके साथ आपने काम किया अब इसके साथ काम करना है। जिस दिन ये माल कट के खेत से बाहर गया व्यापारी के पास उस दिन इसकी उम्र क्या है? 5 महीने की। अब पूरा तना काटना नहीं, सफाई करना नहीं, माल कट के गया, नया बच्चा रखा। अब आपके पास 3 जनरेशन है, दादा, पापा और बच्चा। 3 जनरेशन है ना। 12 महीने के अंदर 1 जुलाई को पौधा लगाया, वापस 1 जुलाई आएगी तो ये तीसरा रहेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? और दूसरे की उम्र 5 महीने की। पहली कटिंग 10 महीने में होगी, 11वां महीना माल कट के खत्म होगा। और जब ये बंच निकल जाए, जब ये बंच निकल जाए हम बेच दें, रेट को छोड़ दो क्या है, क्योंकि मैं उत्पादन ही इतना बढ़ा दूंगा कि आप 2 रुपये किलो बेचोगे तो भी पैसा कमा लोगे। जब ये पौधे का माल कट गया तो इसके केवल पत्ते साफ करना है और 2 पत्ते रखना है मेन तने के। तने को काटना नहीं, केवल पत्ते साफ करना है, 2 पत्ते रखना है। तो ये पूरा का पूरा रिवर्स होगा और अपने बच्चे को भोजन देगा। अगर ऐसा करते हो तो बच्चे के लिए अलग से भोजन डालने की आवश्यकता नहीं है, कोई यूरिया, डीएपी, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की आवश्यकता नहीं। ये जो रिवर्स हो रहा है यही भोजन अपने बच्चे को दे रहा है। अभी ये माल कट के खत्म हुआ, सफाई कर दी, इसकी उम्र 5 महीने की है। अगले हर महीने ये धीरे धीरे रिवर्स होगा, छोटा होगा, ऊपर से सूखते जाएगा, चिमाते जाएगा, ऊपर से सूखते जाएगा और इसको भोजन देते जाएगा। अगले 2 महीने बाद ये फ्लावरिंग देगा, इसकी उम्र अगले 2 महीने बाद 2 माह की होगी। जो इसके साथ घटा वो इसके साथ घटेगा। फ्लावरिंग देने के बाद में इसके पत्ते कम होंगे, अगले फ्लावरिंग देने के बाद ये 90 दिन में माल कटेगा और ये 90 दिन में नए पत्ते देगा। जिस दिन ये माल कटेगा उस दिन ये 5 महीने का रहेगा और इस दिन इसका बच्चा रखेंगे। समझ में आया कॉन्सेप्ट? इसको कहते हैं केले की खेती। ये पूरे भारत में केवल एक आदमी ने करी थी, देसाई ग्रुप ने, जो केले का सबसे बड़ा व्यापारी है, बाकी किसी किसान ने नहीं करी मेरे अलावा। ये टेक्नोलॉजी केले की है। अगर इस टेक्नोलॉजी से हम जाएंगे और इसको एक बार समझ लिए कि केले की खेती कैसे की जाती है, तो आप एक ही बार केला लगा करके उस खेत को अनेक साल तक चला सकते हो। एक स्टोरी आपके गुजरात की, मैं बार बार हर मीटिंग में समझाता हूँ। देसाई ग्रुप जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा केला खरीददार है, बहुत बड़े व्यापारी हैं जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा केले की सप्लाई करते हैं। हम किसानों को सिखाया गया है 5x5 पर केला लगाओ, अगले साल लेते नहीं आएगा, तीसरे साल नया पौधा खरीदना पड़ेगा। लेकिन यहीं पर जो केला खरीदते हैं सबसे बड़े व्यापारी, यहाँ से बड़ौदा और बड़ौदा से 40 किलोमीटर पे एक गांव आता है, उसका नाम है डबोई। डबोई के पास एक छोटा सा गांव है चनवाड़ा। चनवाड़ा में 120 एकड़ का प्लॉट में 2011 में देखने गया था देसाई ग्रुप का, मुझे ऐसे ही प्लॉट दिखा था। मेरी फेसबुक आईडी है बलराम किसान के नाम से, उसमें 2011 का मेरा पोस्ट अगर देखोगे तो केले का झाड़ है, माल कट गया है, बच्चा खड़ा है और उसका तीसरा जनरेशन छूटा है। मैं ऑलरेडी ये यूट्यूब पर देख चुका था। अब यूट्यूब पर डालोगे डोल बनाना, DOLE, डोल बनाना, जो फिलीपींस की बहुत बड़ी कंपनी है जो केले की खेती करती है 10-10 हज़ार एकड़ में। कितने में? हम 2-5 एकड़ में करते हैं तो हमको लगता है कि हर साल पौधा लगाना है। डोल बनाना के जो दादा ने केला लगाया था
उसके बेटे ने भी वही काटा और उसका बेटा आज भी वही काट रहा है, उसी खेत का केला काट रहा है और विश्व में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। इसको कहते हैं केले की खेती। मैं ये दूरदृष्टि क्यों दिखा रहा हूं, ताकि हमको ये समझ में आए कि हम केवल एग्रोनॉमिस्टों से सीख करके खेती ना करें, एक्चुअल केले को चाहिए वो खेती करें। तो मैंने थंब रूल बताया कि केले को चाहिए क्या, ये समझ में आई रेसिपी? अगर आप बी किसान ग्रुप के साथ चलोगे तो आपको उंगली पकड़कर चलाएंगे, कई सारे क्रॉप डॉक्टर मित्र यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, आप खुद सीखोगे तो आपको ये जानकारी घर बैठे आएगी। और इस तरीके से केले की खेती हम यहाँ भी कर सकते हैं। हो सकता है पहले साल चूक होगी तो अगले साल पकड़ लोगे। पौधे का पैसा कम, खाद का पैसा कम, एक बार लगाया तो हर 6 महीने में कटिंग, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? 6 महीने में कटिंग। ये पहला केला जब कटा तो ये कटा 10 माह में, 11वें माह में प्लाट कट के ख़त्म। पहला आपने लगाया 1 जुलाई को, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई में प्लॉट खत्म हो गया। अभी मई में इस पौधे की उम्र क्या है, इसके 3 महीने बाद बंच देगा, तो मई जून जुलाई, जुलाई में फ्लावरिंग आई, अगस्त में पूरे खेत में फ्लावरिंग आ गई 1 महीने में, सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर में नई कटिंग आ जाएगी 11वें महीने में इसकी सेकेंड की। ये जब कटिंग आएगी उस समय आपने अगली चौथी रख दी है, तीसरा 5 महीने का है, तो केले की कटिंग आपकी जो साइकिल बनेगी 6 माह 6 माह 6 माह 6 माह, क्योंकि आप यहाँ बच्चा हर 5 से 6 महीने में रख रहे हो। अभी केला यहाँ पर भी आपका 25 टन ही पकेगा एक कटिंग में, जब 6 महीने का जोड़ोगे तो 50 टन होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है केला कैसे करना चाहिए? यहाँ पर 50 टन पकेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, पकेगा उतना ही, क्योंकि सूर्य ने जितना रोशनी दिया उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, पकेगा उतना ही, बट दो बार मैक्सिमम ठंड आ गई तो 6 महीने की बजाय 8 महीने में कटिंग आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं होता। 23 महीने में 3 कटिंग ली जाती है इस टेक्नोलॉजी में। तो केला 4 रुपये किलो बिके, 6 रुपये किलो बिके, 8 रुपये किलो बिके, मायने खत्म हो जाते हैं, आपका खर्चा जीरो हो जाता है। पहली बार पौधा, खाद, ड्रिप, जमीन की गुताई जुड़ाई सब, बाद में पौधा लिया नहीं, ड्रिप डाली नहीं, निंदाई गुड़ाई करी नहीं, बेड बनाया नहीं, और फर्टिलाइजर भी वही पौधे का पूरा रिटर्न मिल रहा है इसको। इस तरह की अगर खेती करेंगे तो ये हमें देगी रिकरिंग रेवेन्यू। मेरे साथ में कई सारे वीडियोज़ है, अगर आप किसान पाठशाला चैनल पे डालोगे बीके बनाना, क्या डालोगे, बीके बनाना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो एक प्लेलिस्ट आएगी जिसमें 46 वीडियो हैं, 46। एक खेत का पूरा R&D हमने डाल के रखा है, जमीन की तैयारी कैसे करी, पौधा लगाया कैसे, उसको 1 महीने बाद क्या, 1 महीने बाद क्या, 15 दिन बाद क्या, फ्रूट केयर कैसे किया, उसमें बंच कवर कैसे लगाया, माल कैसे कटा, रटून कैसे रखी, डंडा कैसे लगाया उसमें, ये 46 वीडियो में आपको सारा कुछ दिखेगा किसान का खेत। इस तरह से केले की खेती की जाती है, और इस तरह से खेती करना हो तो बी किसान ग्रुप आपके साथ में है। यहाँ जो भी आपकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है इन्हीं के साथ मिलकर हम चलेंगे आगे। समझ में आया? आपका केले में कोई प्रश्न है? और हेलो, पपीता